हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए इतना सॉफ्ट बन रहा है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ले लिया है। 1 चम्मच नींबू का रस, धनिया की पत्ती, गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची, इनो पाउडर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 हल्दी पाउडर, सरसों के दाने, पानी 1 गिलास, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है और सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा पानी डालिए, चलाइए, फिर पानी डालिए, फिर चलाइए, और इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छा हमें पेस्ट बना लेना है बिना लम्स के। आप बेसन को पहले चाल लीजिए ताकि उसमें लम्स ना पड़े, उसमें जो भी दाने होंगे वो निकल जाएंगे। ये देखिए ये पेस्ट अच्छे से बन चुका है। ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी। और इसे पूरा घोलने के लिए हमको 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी है। और अब हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तब तक हम पानी गर्म कर लेते हैं। आज हम ढोकला मोमोज स्टैंड में बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है। और इसे ढक करके हम रख देंगे। पानी गर्म हो रहा है और साथ ही साथ हमारा बेसन भी फूल जाएगा, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। और 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा घोल सेट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी सारी चीज़ें मिला देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नमक डाल दें। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, जैसा भी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा वैसा नमक डाल दीजिए। हल्दी पाउडर हमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर यूज किया है। फिर अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही हम यहाँ पे 2 चम्मच तेल भी डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिला देंगे। इनो हमें लास्ट में डालना है, अभी हम इनो नहीं डालेंगे। और यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी। हमने और पानी बाद में ऐड नहीं किया है, बस सारा सामान हमने मिला दिया है। और अब हम थाली लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा कर अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारा बेसन चिपके ना नीचे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से थाली को ग्रीस कर लिया है। और अब हम बेसन में इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इनो डाल दिया है। इनो मैंने छोटी पैकेट एक पूरा डाल दिया है। और अब इनो के ऊपर हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें इतना ज़्यादा फेना निकल रहा है और इसे फटाफट से मिलाकर और चढ़ा देना है। इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं मिलाना है, 1 मिनट तक मिलाइए। और बस ये अच्छे से मिल चुका है। और अब हम इसे थाली में डाल देते हैं। इनो डालने के बाद हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है इसको, वरना फिर ढोकला सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसे डाल दिया है और इसे टैप करते हुए बराबर कर देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, बस उसी स्टैंड में हम इसको रख देते हैं। पानी अच्छा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। सावधानी से इसे रख दें। आप इसे स्टैंड में भी बना सकते हैं, ढोकला स्टैंड जो आता है, पर मैंने इसे मोमोज स्टैंड में बनाया। इसमें भी बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। बीच में आप चेक मत करिए, 20 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए चाकू में ये
नहीं लग रहा है, मतलब ये अच्छे से हो चुका है। और बस थाली को मैंने बाहर कर लिया है और इसे काट देंगे। सेब आप अपने हिसाब से ले लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी आपको सेब पसंद हो वैसा आप काट लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है, आप चाहें तो छोटे पीसेस में काट लीजिए। ये देखिए मैंने सारा काट लिया है। अब हम तड़का बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया और इसमें सरसों के दाने डाल दिए हैं। ये अच्छे से हो रहा है। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। आप यहाँ पर करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो करी पत्ता डाल दीजिए। और हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए ये तड़क रहा है, अच्छे से हो चुका है। और अब हम इसे ढोकले पे डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड करते हुए चारों तरफ फैला देंगे। इसे अच्छे से फैला दिया है। धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया पत्ती डालने से ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दी है। हम बस इसे काट लेते हैं। इसे सावधानी से काट लीजिए, एक एक टुकड़ा निकाल कर रख लीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत सही लग रहा है। बस इसे इसे निकाल लिया है मैंने। धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दीजिए और बहुत ही अच्छा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए तो बस ये ढोकला हमारा रेडी हो चुका है। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।